अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक ऐसी किचन टिप शेयर करूंगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। और चाय की छलनी को अक्सर आपने देखा होगा वीडियोस में कि इसे जला के साफ़ करना है, तो जलाने से ही होता है कि इसका स्टील भी काला हो जाता है और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बहुत पुरानी सी लगने लगती है। तो मैं आज जो आपके साथ इसकी टिप्स दूंगी उसे ना आपको इसे जलाना पड़ेगा और ना ही इसे ब्रश लगाना पड़ेगा या इसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसे आप चाय की छलनी हो या कोई भी आपके पास छलने हो उसे आप इस तरीके से साफ़ कर लेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे अभी आप ख़रीद के लेकर आए हैं, बिल्कुल नए जैसे। इसे साफ़ करने के लिए किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे घर की चीज़ों से ही साफ़ करने का तरीका बताऊँगी। तो चलें देखते हैं कि फिर इसे किस तरह साफ़ करना है। मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें मैंने पानी ले लिया है, ये सिंपल सादा पानी है नल का। आप जो है वो अपने छलनों के हिसाब से अपने बर्तन लीजिएगा, तो अगर आपके पास छलने बड़े हैं तो आप बड़े बर्तन में पानी ले लीजिएगा, अगर छोटे छलने तो फिर आप छोटा बर्तन ले लीजिएगा। मैंने पैन में पानी लेकर इसको चूल्हे पर रख दिया है और मैंने चूल्हे को ऑन कर दिया है। अब इस पानी के अंदर बड़े चम्मच से मैं 2 चम्मच भर के मीठा सोडा डाल रही हूँ, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, मीठा सोडा ही डालना है। और मैं 4 चम्मच सिरके के डाल रही हूँ। इसको डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे हल्का गर्म होने देंगे। जब ये हल्का गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम अपने सारे छलने डाल देंगे। पानी हल्का गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर ये देखें चाय की छलनी है ये कितनी गंदी हो रही है। अब जब ये अभी आप देख रहे हैं तो कितनी गंदी है, जब ये साफ़ हो जाएगी तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। ये मैं 2 छलने डाल के आपको दिखा रही हूँ, इससे मैं ऑयल वगैरह छानती हूँ तो ये ज़्यादा गंदा है। मैंने चूल्हे की फ्लेम को तेज़ कर दिया है ताकि पानी के अंदर जल्दी से उबाल आ जाए। पानी के अंदर उबाल आ चुका है, अब मैं इसे 5 मिनट इसी तरह उबलने दूंगी ताकि छलने के अंदर जितनी भी गंदगी है वो निकल जाए। मेरे पास ये हैंडल वाला छलना है तो ये पूरा पानी में डिप नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं इसे साइड कर करके इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से साइडों से साफ़ हो जाए। पानी को उबलते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ये देखें छलनी हमारी कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है और पानी भी देखें किस कदर गंदा हो चुका है। पहले कितना वाइट पानी था, अब ये कितना गंदा सा मटियाला सा हो चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को लो कर दूंगी और इसके अंदर मैं 1 चम्मच भर के डिटर्जेंट पाउडर डाल रही हूँ। आप इसके अंदर डिश वॉश लिक्विड भी डाल सकते हैं, आपके पास कोई सा भी डिटर्जेंट पाउडर हो वो आप डाल सकते हैं। अब मैं दोबारा से चूल्हे की फ्लेम को तेज़ कर दूंगी, ये देखें पानी कितना गंदा हो चुका है, इसके अंदर आपको काले काले ज़र्रे नज़र आ रहे होंगे और पानी का कलर भी कितना चेंज हो चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को तेज़ कर दूंगी और 5 मिनट इसे और उबलने दूंगी ताकि छलने के अंदर जो भी चिकनाई वगैरह है वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। डिटर्जेंट पाउडर डालने के बाद इसे 5 मिनट मैंने और पका लिया और अब चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, और ऑफ़ करने के बाद मैं इसे 5 मिनट और पानी के अंदर पड़ा रहने दूंगी और उसके बाद मैं सादे पानी से इसे अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। अगर आपका छलना ज़्यादा गंदा है और चिकनाई की वजह से बहुत ज़्यादा चिट्टा हो चुका है तो उसे इस तरह पानी में रखने के बाद इसे आप जब निकाल के आप सादे पानी से धो रहे होंगे तो उसे आप थोड़ा सा ब्रश कर लीजिएगा, टूथब्रश लेने या कोई भी आप ब्रश कर के उसको साफ़ कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। मैंने छलने को सिर्फ सादे पानी से वॉश कर लिया है, इसके अंदर मैंने ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ पानी से वॉश कर लिया है। ये देखें कितनी अच्छी तरह से हमारी जालियाँ साफ़ हो चुकी हैं और ये बिल्कुल इस तरह हो गई जैसे बिल्कुल अभी नई ख़रीद के लेकर आए हैं, और इसके अंदर जो जालियों के अंदर बिल्कुल सिल्वर जैसी चमक भी दोबारा से आ गई है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप एक दफ़ा इस तरीके से अपनी छलनियों को साफ़ कर लेंगे तो फिर हर बार इसी तरीके से साफ़ करेंगे, क्योंकि इस तरीके से साफ़ करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और हमारी छलनियाँ बिल्कुल आसानी के साथ साफ़ हो जाती हैं। तो मिलते हैं फिर अगली टिप्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।